मेरे YouTube चैनल बाबू लोहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ही ताकतवर हथियार के बारे में। यूं तो हम मनुष्य उत्पत्ति के कुछ साल बाद ही हथियार का उपयोग करना सीख गए। पहले हमारे पूर्वज अपना पेट भरने के लिए हथियार का इस्तेमाल करते थे और अब हम अपनी ताकत का आजमाइश करने के लिए हथियार का उपयोग करते हैं। तो समय के अनुसार हमने बहुत से हथियार बनाए, घातक से घातक हथियार बनाए, ऐसे हथियार बनाए जो एक क्षण में हमारे सृष्टि का अंत कर सकता है। पर कभी हम लोगों ने उस हथियार के बारे में जो नहीं पढ़ा, जो हथियार इन हथियारों को बनाने के काम आता है, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी हथियार के बारे में, जिस हथियार की मदद से हमारे पूर्वजों ने आज के आधुनिक हथियार बनाए और हिंदू ग्रंथों के मुताबिक भगवान विश्वकर्मा ने इसी हथियार के बदौलत पूरे सृष्टि की रचना की। तो हम कहीं ना कहीं इस हथियार को भगवान विश्वकर्मा के हथियार भी कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बताते हैं उस हथियार के बारे में जिस हथियार के दम पे पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ, आधुनिक हथियार के निर्माण हुआ, और यह हथियार दुनिया का सबसे ही ताकतवर हथियार। इस हथियार के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जी हाँ, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हथौड़ा ही है। इसी के बदौलत सारे हथियारों का निर्माण किया जाता है। इसके बिना हथियारों का निर्माण किया जाना असंभव है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से एक हथौड़ा का निर्माण किया जाता है। हथौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक छोटे सा लोहा का टुकड़ा लिया। अब इस लोहे के टुकड़े को हम देसी भट्टी पे डालेंगे। ये एक देसी भट्टी है जो लोहा गर्म करने के काम में आता है। ये पीछे इसका पंप लगा हुआ है जिसे हाथ से चलाया जाता है और इस भट्टी का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है जो कि एक लोहे को गर्म करने के लिए सफिशियंट होता है। अब हम बहुत ही बारीकी से और सावधानी के साथ हथौड़ा बनाने का काम आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हथौड़े से निकलने वाले जो गर्म चिंगारियां हैं चारों तरफ फैल रही हैं, शरीर में असर लग जाते हैं। तो काफ़ी सावधानी के साथ हमें बनाना पड़ता है। और सच पूछे दोस्तों तो एक छोटे से लोहे के टुकड़े को आकार देने में काफ़ी मेहनत लगता है। अब हम कुछ कटिंग करके हथौड़े को शेप देने का कोशिश कर रहे हैं बहुत ही सावधानी के साथ में। लोहा गरम है, देख सकते हैं किस तरह से छेनी की मदद से हम हथौड़े के आगे पोर्शन को शेप दे रहे हैं ताकि ये सपाट रहे। ये देखिए काफी हद तक हथौड़ा अपना आकार ले चुका है। दोबारा गर्म करके हम हथौड़े के दूसरे साइड को बनाना शुरू करेंगे। देख सकते हैं धीरे धीरे से ये अपने शेप में आ रहा है। जो बचा हुआ जो लोहा है अनशेप में, उसे हम काट के हटा देंगे। देखिए बिल्कुल हथौड़े के आकार
भाग पे आ चुका है, अब इसमें असली काम इसके बीचों बीच छेद करना है। इसके लिए हम एक अलग प्रकार के छेने का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम इसके आर पार होल बना सकें। ये हथौड़ा बनाने का देसी और पौराणिक टेक्निक है। इसमें हम किसी भी तरह का मॉडर्न मशीनरी का यूज नहीं करते हैं, और यही कारण है कि हथौड़ा अच्छा रहता है, स्ट्रेंथ अच्छा रहता है हथौड़ा का, देख सकते हैं। अब हम इस छेनी को इसके आर पार कर रहे हैं ताकि एक होल क्रिएट हो जाए। काफी मेहनत के साथ बहुत ही वजनदार थोड़े से वार करना पड़ रहा है, बहुत ही मेहनत का काम है, देख सकते हैं ये पार हो चुका है। अभी हथौड़े के शेप में आ चुका है। सोचिए दोस्तों, एक छोटे से लोहे के टुकड़े को इस तरह शेप देने के लिए बहुत मेहनत लगता है। अब हम उस होल को और थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं ताकि इसमें जो हैंडल है वो फिट हो जाए, देख सकते हैं। बहुत ही सावधानी के साथ में हमें ये काम करना पड़ता है, जरा से चूक हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, गहरा चोट दे सकता है, बहुत ही जोखिम भरा काम रहता है ये। अब हम हथौड़े के जो दोनों साइड के पोर्शन हैं उसे हम अब शेप देना शुरू करेंगे ताकि ये सुंदर, आकर्षक और काम करने लायक बने। इसके लिए हम बहुत ही बारीकी से लोहे को पीटते हैं ताकि इसका शेप अच्छा हो जाए, देख सकते हैं इसका लुक काफी अच्छा है। यह हथौड़ा बनाने का देसी तरीका है, इसमें किसी भी तरह का हम मशीनरी टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसे हम पुराने तरीके से ही बनाते हैं। थोड़ा है उसका हार्डनेस बना रहे, देख सकते हैं उसका आगे का पोर्शन को हम शेप दे रहे हैं, और ये हमारा हथौड़ा बनकर तैयार ही हो चुका है। अब हम इसे आखिरी फिनिशिंग देने का काम करेंगे। बहुत ही बारीकी से इसके आगे पोर्शन को हम शेप देने का कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई गड्ढा ना रहे। अब हम फाइनली इसमें हैंडल लगाने का जो होल है उसको फिर से रिशेप कर रहे हैं ताकि आसानी से इसमें हैंडल लगाया जा सके। सरकार
ये काम लगभग पूरा हो चुका है, हमारा हथौड़ा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इस हथौड़े को टेम्पर करेंगे। ऐसे तो ये लोहा हार्ड ही था, पर भट्टी में तपने के कारण इसका हार्डनेस कम पड़ सकता है, इसीलिए हम इसे फिर से हार्ड करेंगे। इसके लिए हम इसे पानी में टेम्पर कर रहे हैं। ये बहुत ठंडा पानी है, ठंडा पानी में इसे हम टेम्पर करेंगे ताकि इसका आगे का पोर्शन जब हम काम करें तो इसी शेप में रहे, वो अपना शेप ना चेंज करें। देख सकते हैं राजू की से धीरे धीरे इसे हम टेम्पर कर रहे हैं। अगर हम इसे पूरी तरह से पानी में डुबो देंगे तो हथौड़ा एक ही बार में टूट जाएगा, इसीलिए हम इसके बस आगे के पोर्शन को और पीछे के पोर्शन को ही पानी में हार्ड करते हैं। देख सकते हैं हम दूसरे साइड पर कर रहे हैं। अब हम इसका हैंडल बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने एक बांस के टुकड़े को काट लिया है। अब उस बांस के टुकड़े में जो एक्स्ट्रा भाग है उसे हम छील लेंगे, काट के हटा देंगे ताकि हमारा जो हथौड़ा है वो आसानी से इसके अंदर में फिट हो सके। अब हम बांस को सीधा करने के लिए आग में गरम करके धीरे धीरे करके उसे हम सेकेंगे। यह देख सकते हैं कि बांस को हम सीधा करने का कोशिश कर रहे हैं। आग से पहले इसे हमें थोड़ा सा सेकना पड़ता है ताकि बांस नरम हो जाए, फिर उसे इस तरह लकड़ी में फंसा के सीधा किया जाता है। काफ़ी हद तक सीधा हो चुका है, देख सकते हैं सीधा हो चुका है। अब बारी है फाइलिंग। ताकि ये बांस का हैंडल आसानी से हथौड़े के उस होल में आर पार हो जाए, तो हम इसे बारीकी से घिस लेंगे। इसमें ध्यान देने का बात ये रहता है कि इसे हम जितना बारीकी से घिसेंगे उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो इसमें कुछ कांटे रह जाते हैं जो बाद में हमारे हाथ में लग सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हम हथौड़े को उस बांस के टुकड़े में फिट कर लेंगे। अब हम इसे फिर से फिनिशिंग फाइल पे फंसेंगे ताकि इसका हैंडल और चिकना हो जाए, किसी तरह के कोई कांटा या कोई भी एक्स्ट्रा बांस का टुकड़ा हाथ में ना लगे। और ये हमारा हथौड़ा बन के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत हथौड़ा बनाया है हमने, और इसका वेट लगभग 1.25 किलोग्राम है। लाइट वेट है जो सिंगल हैंड यूज के लिए बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत है। अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।